hello students this is the my first video related to subject biology class 9th and in this video i have started the first chapter ncrt cell cell that is the basic unit of life and in this video <coughs> we have talked about cell and cell theory now first question arise what is cell सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेल क्या है सो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गे जो भी हम लिविंग बॉडी है लिविंग बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी सेल है जस्ट लाइक ब्रिक कैन बी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए हाउस जिस तरह से आप देखो कोई एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जो आपका ब्रिक्स होती है डेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सो इन द लिविंग बॉडी जो सेल्स होगी वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लेवल है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स इज द आपका सेलुलर लेवल सेलुलर लेवल यानी जो भी हमारी बॉडी है वो आपकी सेल से मिल करके बनी हुई है सेल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स तो वह बनाते हैं आपके टिशू टिशू कंबाइंड होते हैं तो वह बनता आपका आरगन. आरगन है आपका आर्गन आर्गन कंबाइंड होते हैं तो बनता है आपका आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम जब कंबाइंड होते हैं तो एक पर्टिकुलर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है यानी हम कह सकते हैं कि सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स आर आल्सो कार्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी दोनों हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द वर्ड सेल इज डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला सेल जो है आपका एक लैटिन वर्ड सेलुला से बना है जिसका मीन्स होता है एक लिटिल रूम एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 सिक्सटी डिस्कवर्स एंड नेम द सेल वाइल एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कार्क अंडर ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाई हिम सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में उन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था हुक ऑब्जर्व हनी काम्ब आर पोरस स्ट्रक्चर हुक फाउंड पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कार्क टूरिजल विथ मॉन्स्टर्स एंड कार्डेज यूनिट या उसको उन्होंने सेल बुला मधुमक्खी के छत्ते के समान बिहाइ की जैसी संरचनाएं दिखाई दी और उसको उन्होंने सेल कहा अपने वर्क को उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था उस बुक का नाम आपका था माइक्रोग्राफिया फर्दर <coughs> 1674 में एक आपके साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान लुवन हॉक जो कि आपके डच माइक्रोस्कोपिस्ट हैं उन्होंने एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप तैयार किया उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम 1674 सेवेंटी फोर में इन 1678 सेवेंटी एट आप देखो तो उन्होंने इस्पम्स और जो भी स्पम्प सेल हैं आपके ह्यूमंस के डॉग के रैबिट्स के फिश के इंसेक्ट के इन सब को भी उन्होंने आइसोलेट किया था नाउ रॉबर्ट ब्राउन एटीन थर्टी वन इन्होंने सेल में आपका डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखा और उस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने न्यूक्लियस बोला था फिर आपके एक साइंटिस्ट हैं जेई परकिंजे। ये आपके एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1839 में उन्होंने एक टर्म्स दिया प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या होता है लिविंग फ्लूड सब्सटेंस प्रजेंट्स इन साइड द सेल जो भी सेल के अंदर आपका लिविंग सब्सटेंस होता है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया 1866 में हेकल इस्टेब्लिश किया कि न्यूक्लियस वॉज रिस्पॉन्सबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग हेड्रिक करेक्टर हेकल ने बताया कि जो न्यूक्लियस है वह आपकी जो भी हेड्री कैरेक्टर है उसको स्टोर करता है और उसको आपका ट्रांसफ़र करता है फर्दर 1838 थर्टी एट टू एटीन थर्टी नाइन में एम जे स्लाइडन एंड स्वान उन्होंने एक सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को हम बोलते हैं सेल थ्योरी लेटर ऑन 1855 में एक और साइंटिस्ट हैं आपके रूडोल्फ विर्चो उन्होंने उस सेल थ्योरी में एक चीज ऐड किया सेलुला ई सिल्ला इट मीन्स ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ देयर प्री एग्जिस्टिंग वंस नाउ अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की 1838 जैकब स्लाइडेन जो कि जर्मन बारिस्ट हैं फर्स्ट प्रपोज द आइडिया डट आल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले उन्होंने आइडिया दिया कि जो सारे प्लांट्स हैं वो आपके सेल से बने होते हैं वन ईयर लेटर 1839, स्वान जो जर्मन कि जर्मन जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली असर्टेड किया कि आल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स मतलब स्लाइडर ने कहा कि ऑल प्लांट्स आपके सेल से बने होते हैं जबकि स्वान ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आपके सेल से बने होते हैं दिस ज्वाइंट फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी लेटर ऑन सेल थ्योरी को फर्दर रिडिफाइन किया गया और फर्दर रिडिफाइन करने के बाद 1855 में एक और आपके जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं रोडाल्फ वर्चो उन्होंने आइडिया प्रपोज किया कि ऑल द सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जितने भी सेल्स हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से एराइज होते हैं उन्होंने एक फ्रेज कहा ओमनी सिल्ला इ दस सेल थ्योरी में आपके फोर पॉइंट्स आपके ऐड हुए वह फोर पॉइंट्स क्या हैं कि ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट जितने भी आपके आर्गेनियम्स हैं वो आपके सेल ऑल सेल प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं सेकेंड पॉइंट्स ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल्स सारे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वनली नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली आर डी नो बट कम्स इन टू द बिंग ओनली बाई डिविजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल मतलब कोई भी सेल्स जो होती हैं आपकी स्पॉन्टेनली जनरेट नहीं होंगी जो सेल्स मौजूद है उसी सेल्स में आपके डिविजन होंगे और फर्दर सेल्स का फॉर्मेशन होगा एवरी ऑर्गेनिजम स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल जो भी आपके लिविंग ऑर्गेजम से इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग सबकी जो आपकी स्टार्टिंग है लाइफ की वो आपकी सिंगल सेल से बनी होती है वायरसेस सेल थ्यूरी के आपके एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि वायरस में आपके सेल्स नहीं होते हैं वायरस जट इज दार्टकिल बिकॉज वहाँ पर आपका केवल न्यूक्लिक एसिड होता है केवल आपके डी एन ए होते हैं या आर एन ए होगा और आपका प्रोटीन होता है नाउ वाट आर लिविंग ऑर्गिजम्स मेडअप ऑफ जैसे आपको बताया गया कि जिस तरह से बिल्डिंग्स आप देखो बिल्डिंग्स में ब्रिक्स के थ्रू आपके पूरा हाउस बनता है उसी तरह से हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी आपकी सेल से मिल करके बनी होती है अब ऑन दॉ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी टू टाइप्स आपके ऑर्गेजम्स होते हैं आपके यूनि सेलोअर आर्जियम्स होंगे और आपके मल्टी सेलोअर आर्जियम्स होते हैं यूनिसेलर एजियंस मतलब जिनकी बॉडी आपकी एक ही सेल से बनी हो और सारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो आपकी सिंगल सेल में कंप्लीट होती है फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास अमीबा पैरामीशियम यूनिसेलर और मल्टी के अलावा कुछ जो सेल्स होते हैं वो आपके सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल अपने सर्वाइवल के लिए सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नकेड आई से नहीं दे सकते हैं तो हम उनको किससे देखते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल्स आर स्टडीड विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स माइक्रोब्स जो होते हैं आपके हाईली रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेट आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग द फाइन डिटेल ऑफ वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं दो प्रकार के आपके कॉमन माइक्रोस्कोप्स आपको दिखाई देते हैं एक आपका होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप डट इज द उसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप प्राय स्कूलों में देखते हो डट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस माइक्रोस्कोप में आप मैनी लेंसेस होंगे और ये सब आपके कंबाइंड होते हैं और इनका जो मैग्नीफिकेशन पावर रेंज होता है लगभग थ्री टू फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को तीन सौ से लेकर के पंद्रह सौ टाइम्स बड़ा दिखाई सकता है डीज माइक्रोब्स यूज लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप सेकेंड माइक्रोस्कोप आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये भी आपका लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रो का हम यूज करते हैं फॉर मैग्निफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर इल्यूमिनेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए इलेक्ट्रो का यूज करते हैं इस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था नॉल और रस्का ने जो कि जर्मनी के थे 1932 में और 1932 में और 1940 में इनका सबसे पहले यूज़ हुआ था इट यूजेज वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प इन ऑब्जर्विंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी स्रू थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब जो स्ट्रक्चर आप माइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो उस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजिली सीन कराता है इसका जो मैग्निफिकेशन है आपका वन लाख टू फाइव लाख टाइम्स इंक्रीज करके वो आपका ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है जो भी इमेज आपका बनता ऑब्जेक्ट का वह आपका ऑब्जेक्ट बनता है फोटोग्राफिक फिल्म पे यानी अगर हम डिफरेंस की बात करें लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो आपको डिफरेंस क्या मिला कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होंगे इट यूज ग्लास लेंसेज इट यूज ए बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट इंटरनल वैक्यूम इज़ नॉट रिक्वायर्ड ये सारे आपके फीचर्स होंगे लाइट माइक्रोस्कोप के जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे इट यूज इलेक्ट्रोमैगनेट्स इट यूजेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टिड ऑफ लाइट इंटरनल वैक्यूम इज इसेंशियल बिना इंटरनल वैक्यूम्स के आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन नहीं कर पाएंगे अब बात करेंगे सेप एंड साइज ऑफ सेल्स की अगर हम सेप और साइज की बात करें सेल्स की तो अल्टीमेटली देखिए सेल्स का आपका सेप और साइज जो होता है आपका वेरी करता है सम सेल्स कैन चेंज देयर सेप्स कुछ सेल्स जो होते हैं अपने सेप को चेंज कर सकते हैं ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्लियोमार्फिक फॉर एग्जाम्पल अमीबा डब्ल्यू बी सी लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे आपके उनका जो सेप होता है आपका लगभग सेल का फिक्स होता है आपकी जो सबसे स्मालिस्ट सेल है डट इज द पी पी एल ओ माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं पी पी एल ओ मीनस क्या प्लियोमार्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे जो लार्जेस्ट सेल है आपका ऑस्ट्रिच एग लॉन्गेस्ट एनिमल सेल आपके क्या है नर्व सेल्स से हैं माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर या माइक्रॉन ये क्या होता है डेट इज द वन थाउजेंड ऑफ ए मिलीमीटर मतलब एक मिलीमीटर का हजारवां पार्ट आपका कहलाता है माइक्रोमीटर तो यहां पर आपको डिफरेंट शेप और साइज के आपको सेल्स दिख रहे हैं आपने देखा स्मॉलेस्ट सेल डट इज द पी पी एल ओ लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स नर्व सेल्स इन दिस द में आप देखिए पॉइंट वन नाइनोमीटर पर आपके एटम्स की साइज होती है वन नैनोमीटर पर आपके स्मॉल मालिक्यूल्स हैं लिपिड्स हैं प्रोटीन्स हैं हंड्रेड नैनोमीटर आपका बैक्टेरियो फेज का सेफ होता है साइज वन माइक्रोमीटर के आसपास आपके क्लोरोप्लास्ट के होते हैं वन टू टेन के बीच में आपके अधिकतर बैक्टीरिया होंगे वन टू हंड्रेड के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल उनकी जो साइज होगी वन मिलीमीटर mm आपका जो फिश एग होता है उसकी साइज होगी वन मिलीमीटर mm से आपके वन किलोमीटर तक में आप देखिए डिफरेंट आपके फिगर्स हैं यहाँ पर देखिए आपका टेन मीटर के आसपास ब्लू वेल होता है हंड्रेड मीटर के आसपास आपके कैलिफोर्निया रेडवुड प्लांट्स हैं तो ये आपके डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट आपके साइज यहां पर स्केल्स पे दिखाया गया है नाउ वाट इज द यूनिसर एंड मल्टीसोलर हियर सम डिफरेंसेस आर यूनिसर एंड मल्टी सेलर के केस में देखेंगे तो यूनिसर जो होते हैं आपके ऑफ सिंगल सेल एक ही सेल से बने होंगे सिंगल सेल्स एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस लाइक फूड रिस्पायरेसन एक्सक्रीशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मतलब जितना भी आपका पाथवे होगा वह आपका एक ही सेल में कंप्लीट होता है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सेल्स दे आर आल्सो कॉल्ड ए सेलुलर आर्गेनजम्स मतलब ये आपके डिवाइड करके दो चार सोलर सेल में डिवाइड नहीं हो सकते हैं इसलिए उसको हम बोल सकते हैं ए सेलुलर आर्गेनजम्स फॉर एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम ये सारे आपके यूनिसेलर आर्गम्स हैं मल्टी सेलर में मेडअप ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स कई सारे सेल्स से मिलकर के बने होते हैं सेल्स हैव ए सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी मतलब जो भी सेल्स होंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन जो होगा आपका सिमिलर होता है डिफरेंट शेप के आपके सेल्स होते हैं और ये सारे सेल्स आपके एग्रीगेट करके टिशू का फार्मेशन करते हैं टीशू सारे एग्रीगेट होकर के आपका आर्गन बनाते हैं आर्गन आपके एग्रीगेट होकर के या फिर आपका आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है जितने भी आपके प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं फंजाई हैं ये सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनस हैं थैंक यू इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ सेल्स